तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फूडी प्रथम में। तो सर, आज हमारे बीच में जो है होने वाला है दो किंडर जॉय का कंपटीशन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहले से ही देख पा रहे होंगे कि एक तरफ है हमारे पास किंडर जॉय नेटून्स एडिशन। जी हाँ दोस्तों, किंडर जॉय नेटून्स एडिशन में हमको मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के टॉयज। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। पिछले बार हमको एक टर्टल मिला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, बट इस बार क्या मिलने वाला है वो हम देखने वाले हैं। और दूसरी तरफ यार हमारे पास है किंडर जॉय ब्लू एडिशन। जी दोस्तों, इसमें जो है बॉयज़ के रिलेटेड टॉयज़ मिलते हैं जो कि लड़कों को, छोटे लड़कों को जो है ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यार आज जो है हम इन दोनों टॉयज़ को कंपेयर करने वाले हैं कि नेटून्स में हमको बेटर टॉय मिलता है या फिर हमको एक ब्लू एडिशन में ज़्यादा बेटर टॉय मिलता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले किंडर जॉय प्यारे से नेटून्स को खोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है बर्ड्स के आपको फोटोज़ देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है कंपनी का नाम भी है किंडर जॉय, तो एक पेरेंट कंपनी है। मेन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फेरेरो ग्रुप है। तो यार काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ भाई मैं कि क्या क्या हमको टॉय जो है देखने के लिए मिलने वाला है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है हमको गोल्डन रूल्स जो है लिखे हुए मिल जाते हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है तो यार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फटाफट जंप करते हैं वापस। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा किंडर जॉय को इस प्यारे से चम्मच के लिए, जो कि एक इको फ्रेंडली चम्मच है क्योंकि ये कार्डबोर्ड से बना है ना कि प्लास्टिक से। तो सबसे पहले यार टॉय से पहले हम ओपन करते हैं हमारी प्यारी सी किंडर जॉय को। जी हाँ दोस्तों, यार बचपन मैंने किंडर जॉय जो है काफ़ी ज़्यादा खाई है। अभी भी मैं कभी कभार जब वीडियोस बनाता हूँ तब खा लेता हूँ, ऐसा नॉर्मली तो नहीं खाता हूँ, बट यार काफ़ी ज़्यादा मेरे जो है मन में ही अभी तक है। और इसको देखते ही मुझे बताया आपके मुँह में भी जो है स्क्रीन से पानी आना शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी इसको रखते हैं बाजू में। और किन किन लोगों की किंडर जॉय फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि भैया हमको जो है इसमें क्या टॉय देखने के लिए मिल रहा है, क्या मिलने वाला है। लग तो रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग मिलने वाला है, और एज जैसा मैंने कहा था वैसे हमको यार इस बार भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉय देखने के लिए मिला है। मुझे लग रहा है कि ये स्वैन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है। किंडर जॉय के टॉयज काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं हर बनाने में। पिछली बार हमको एक टर्टल मिला था जो कि अच्छे से बन नहीं पाया था, और बाद में भी मैंने कोशिश की, बट मैं वापस एक बार कोशिश करूँगा उसको बनाने की, बिकॉज इतना भी हार्ड तो नहीं है टर्टल को बनाना। बट उसके पहले यार इसको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लग रहा है कि इस बार इजी होगा। चलिए इतना तो हो चुका है, अब आगे देखते हैं कि यार ये कैसे प्रॉपरली बनने वाला है, और ये बन जाए तो बेटर होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको जो है इसको फिट करना है। दोस्तों यार ये जो छोटा सा हमारा टॉय है ये नीचे ही गिर चुका था, और बहुत ढूंढने के बाद ये प्यारा सा टॉय हमको देखने के लिए मिला है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इसको फटाफट लगा दें हम, और मुझे तो लग रहा है कि इसी तरफ से जो है ये लगने वाला है, बट अभी तक लग नहीं रहा है, पता नहीं कैसे, एक बार वापस देखना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे ये लगेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो यार यहाँ पे मगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टॉय हमारा लग जाना चाहिए या लग गया होगा। नहीं, एक बार वापस इसको हमको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये उसका अपर पार्ट है तो ये जो है इस तरीके से लगना चाहिए, लेकिन ये बहुत, इसके जो टॉयज़ हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसको बनाना काफ़ी मशक्क़त का काम होता है। ओके, तो हमको कोई और कंपोनेंट तो हम मिस नहीं कर रहे हैं, एक बार आपस देख लेते हैं, नहीं और तो कोई कंपोनेंट हम नहीं मिस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यार ये जो है हमको बनाना होगा कुछ जो साइड के पार्टिकल्स है दोस्तों, हमको जो है इसको किसी भी तरह लगाना है, क्योंकि अगर इतना हमने लगा दिया तो हमने अपना आधा काम तो वहीं कर लिया। और मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम सक्सेसफुल हो गए हैं उसमें, और अब मुझे लग रहा है कि अब शायद हमारा टॉय बनकर रेडी होने वाला है, बट मैं स्टिल अभी भी श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि ये जो है कैसे लगने वाला है। इसको एक मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं, ये तो स्टक हो चुका है। इसको बाजू में रखकर जो है इसके निचले पार्ट को हम इस तरीके से कुछ लगाने की ट्राई करते हैं, और मुझे लग रहा है कि अब जो है ये सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो इसका नीचे का पार्ट दोस्तों प्रॉपरली बन चुका है, और अगर इस तरफ ये है तो इसका मुंह भी जो है इस तरफ ही होना चाहिए, और फाइनली
दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने हार नहीं मानी और हमारा स्वेन या फिर ऑस्ट्रिच है ये या पता नहीं मुझे क्या है, बट ये जो हमारा प्यारा सा टॉय है बनकर रेडी हो चुका है। इसका नाम क्या है इस प्यारे सा टॉय का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत ही प्यारा सा टॉय दिख रहा है बट इसका नाम क्या है इस एनिमल का मुझे बताइए। और यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा ये। आप इसको जो है एक एक्शन फिगर की तरह भी अपने स्टडी टेबल पर या फिर अपने जहाँ पर भी आप कोई नॉर्मल आपका टेबल आप पढ़ते होंगे या रखते होंगे वहाँ पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं और काफ़ी कूल लगेगा ये छोटा सा वाइल्ड एनिमल वाइल्ड बर्ड। दोस्तों अब बारी आती है हमारे ब्लू एडिशन की। इसका जो है ये जो मुझे ऊपर का डिज़ाइन है काफ़ी मस्त लगता है यार, लेकिन इसके टॉयज जो होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके और पिंक एडिशन दोनों के टॉयज अच्छे होते हैं। तो यार इस बार फटाफट हम जंप करते हैं सीधा अपने टॉय पर। इसमें भी हमको एनिमल देखने के लिए मिला है, ये पता नहीं कैसे हुआ, मतलब हमको उसमें भी एनिमल और इसमें भी दोनों में एनिमल देखने के लिए मिला है जबकि ये तो नेटून्स है भी नहीं, पता नहीं ये कैसे। बट यार चलो हमको तो उल्टा और मज़ा आने वाला है क्योंकि एक और एनिमल हमारे पास आ चुका है। तो यार ये हमको एक कुत्ता मिला है, पता नहीं क्या मिला है, बहुत एक डिफरेंट सा एनिमल है। इसको बनाने के लिए हमको वापस मशक्कत करनी पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर शायद नहीं भी करनी पड़े। ओके इतना तो। ये दोस्तों काफ़ी जो है टॉयज लगाने बनाने में दिमाग चला जाता है क्योंकि इन टॉयज़ को बनाना काफ़ी दिमाग लगाने वाला काम होता है और इतने इजीली जो है ये टॉय नहीं बनते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बनते, गॉड नोज़, बट हाँ नहीं बनते हैं। ओके तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये किस तरीके से होगा, वापस देखना पड़ेगा हमको। ओके तो ये जो है इसके टांग वाला साइड इस तरफ आएगा शायद से, नहीं ये तो इसकी पूंछ हो गई ना, तो इसकी टांग तो ये होनी चाहिए, इसके टांग वाला साइड यहाँ पे आएगा तो फिर ये तो वापस देखना पड़ेगा हमको। काफ़ी मशक्क़त वाला काम है दोस्तों इस टॉय को बनाना, बट हम हार नहीं मानने वाले और इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाए। ओके तो फाइनली मुझे लग रहा है शायद कुछ प्रोग्रेस हमको देखने के लिए मिले, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि अभी भी इसको जो है बनाने में काफ़ी दिमाग लगने वाला है और मुझे लग रहा है कि फाइनली शायद हम थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। ये जो है दोस्तों ये पार्ट नीचे होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये उल्टा हम अगर लगाएं तो शायद ये बन जाए, बट मुझे लग रहा है कि इसको जो है हमको इसको बीच में लगाना होगा, नहीं ये बीच में नहीं आएगा। दोस्तों अब जो है मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि ये बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट स्टिल एक लास्ट ट्राई हम करते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये बन जाए क्योंकि इसकी पूंछ अगर पीछे की तरफ है तो ऑफ कोर्स ये जो है इस तरीके से लगना चाहिए। अगर इसकी पूंछ पीछे की तरफ है तो इसकी जो अपर बॉडी है, छोड़ी दोस्तों ये जो है बनने का नाम नहीं ले रहा है, इसको मैं आपको बताऊंगा टर्टल के साथ अगली वीडियो में क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स शो है, बट हम इसको सॉल्व करके ज़रूर रहेंगे। तो आपको कौन सा टॉय लगा अच्छा है इसमें से, ये वाला या फिर ये वाला, हालांकि ये कम्प्लीटली बना नहीं है तो अभी हम प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा लगा है दोनों में से एक तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बताऊँ सकते लिए धन्यवाद।